नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MD2 Reader Publication में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते, पिछले कुछ महीने से CM मनोहर लाल खट्टर जी का जहां भी कोई प्रोग्राम होता है, वो अपने हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हरियाणा में जल्द ग्रुप डी की 35,000 से लेकर 38,000 भर्तियाँ की जाएंगी। मीडिया वालों का सबसे पहला यही क्वेश्चन CM साहब से रहता है और साथ ही बेरोजगार युवाओं का भी यही क्वेश्चन रहता है कि सर बताइए, हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। और पिछले कुछ समय से जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग के पुराने चेयरमैन थे भारत भूषण भारती जी, वो भी लगातार कहते आ रहे थे कि हम ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि ये फॉर्म कब निकलेंगे, साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं और ये बदलाव कब हुए हैं। आप सभी जानते हैं, कल हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग थी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। तो उसमें ज़्यादा जो निर्णय लिए गए थे वो हमारे लायक नहीं थे, जो हम बेरोजगार युवा हैं उनके लायक नहीं थे। हमारे लायक जो निर्णय लिया गया वो ग्रुप डी की भर्ती को लेकर लिया गया। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि वो क्या बदलाव किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। 3 से 4 बदलाव इस भर्ती में किए गए हैं। अब रिटर्न एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने मार्क्स का होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बेरोजगार युवा हैं हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके माइंड में लगातार चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपको बात शुरू करते हैं हम अपनी, आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं। सबसे पहला जो बदलाव हुआ है, देखिए, पहले हरियाणा सरकार ने नियम बनाया था कि परिवार में अगर कोई भी सरकारी नौकरी पर है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। जो 5 नंबर रखे गए थे कि घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आपको 5 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, उसमें ये रूल था कि आपकी बहन या आपकी बेटी सरकारी नौकरी है तो आपको 5 नंबर का लाभ नहीं मिलेगा। तो कैबिनेट ने इस बात पर मोहर लगा दी है, अगर आपकी बहन या बेटी गवर्नमेंट जॉब है तो फिर भी आपको जो है 5 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बदलाव हुआ है सर कैबिनेट की मीटिंग में, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में युवाओं को बड़ी राहत, एक तो आपको ये लाभ हुआ है। और जो दूसरा लाभ हुआ है वो रिजर्वेशन को लेकर है, आरक्षण को लेकर है। आप कुछ समय पहले आपने देखिए अखबार में पढ़ा होगा कि जो रिजर्वेशन है वो खिलाड़ियों के लिए भी होगा ग्रुप डी में, ठीक है, वो विकलांगों के लिए भी होगा। तो इस कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर मोहर लगा दी है कि हम खिलाड़ियों के लिए और विकलांगों के लिए अलग से वैकेंसी नहीं निकालेंगे, एक ही वैकेंसी आएंगी जॉइंट रूप से, सभी का एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन उनमें रिजर्वेशन दे दी जाएगी। सिर्फ यही बात पर जो है दूसरे नंबर की जो बात है ये बात थी रिजर्वेशन को लेकर, जिस पर मोहर कैबिनेट ने लगाई है। और जो तीसरी जो खबर आ रही है वो ये है कि जल्द से जल्द 35,000 भर्तियाँ हरियाणा में ग्रुप डी की निकलेंगी और उन्हें बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अब फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि सर जल्द से जल्द कब है वो जल्द से जल्द, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये हमारा जून का महीना है, नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के महीने में ग्रुप डी की वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाएंगी, ये 100% कन्फर्म है। आप इसको लिख लीजिए, जुलाई के महीने में ग्रुप डी की 35,000 से 38,000 वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाएंगी। और मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, रिटर्न बेसिस आपकी ये भर्ती होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, और क्वालिफिकेशन इसमें जो रहेगी वो 8वीं 10वीं और 12वीं रहेगी, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की इसमें ये वैकेंसियां रहेंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। और इसमें नेक्स्ट जो अपडेट है ये वही है कि ग्रुप डी भर्ती के लिए आरक्षण का नया प्रावधान तय, निर्देश जारी। वही रिजर्वेशन का, इसमें 2 प्रकार से रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। और देखिए कुछ जगह अखबार में EBPG वालों के लिए और SBC वालों के लिए भी आई थी,
दोनों की रिजर्वेशन 10-10% है और दोनों का जो मामला है वो माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों की जो वैकेंसियां हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी, सेफ रखी जाएंगी। अगर मामला उनके पक्ष में आता है तो उनकी अलग से वैकेंसियां दोबारा निकाल दी जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा था आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लेटर भी जारी किया है हरियाणा सरकार ने कि क्या क्या बदलाव ग्रुप डी को लेकर किए गए हैं। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरीज टू गवर्नमेंट हरियाणा को लिखा गया है, ठीक है, HSSC को लिखा गया है। इसमें यही बताया गया है कि सरकार ने जो है टू टाइप ऑफ रिजर्वेशन का जो मेथड है उसे अडॉप्ट किया है, होरिजेंटल और वर्टिकल। इसमें दो प्रकार का रिजर्वेशन होगा। होरिजेंटल में वही होगा हमारा खिलाड़ियों के लिए और विकलांगों के लिए। तो दोस्तों ये वो लेटर है, इसमें यही लिखा गया है कि किस प्रकार से हमारी वैकेंसियाँ रिजर्वेशन में डिवाइड होंगी। देखिए इसमें एक हल्का सा क्राइटेरिया दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल लिया गया है अगर 100 वैकेंसी हों तो किस प्रकार से वर्टिकल और रिजर्वेशन रहेगा और किस प्रकार से हमारा होरिजेंटल रिजर्वेशन रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी परेशानी नहीं। और इस नोटिस से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्द हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आने वाली, बहुत जल्द। जो मैं बोल रहा हूँ जुलाई का महीना, बिल्कुल यकीनन उसी महीने में ये वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से और किसी भाई का भी भला हो जाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।